हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल ट्री की स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज 17 सितंबर है और आज से ही रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जिसका कि पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि पहला शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों, आप लोग तुरंत पहुँच सके। और मैं पर डे पर शिफ्ट का क्वेश्चन को अपलोड करूँगा दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग तुरंत हर डे हर शिफ्ट का क्वेश्चन पहुंच सके और आप लोग उसको देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आज का जो प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं। तो आज जो आए हुए हैं दोस्तों, कि 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो जी दोस्तों, 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछ लिया है, जो कि काजुओ इशिगुरो को मिला था। तो 2017 से भी करंट अफेयर आने लगे हैं दोस्तों, तो आप लोग 2017 से 2018 तक के कंप्लीट करंट अफेयर को कर लीजिएगा दोस्तों, ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि सबसे भारी ग्रह कौन सी है। तो सबसे भारी ग्रह जो होती है वो बृहस्पति ग्रह होती है, बृहस्पति ग्रह जो होती है वो सबसे भारी ग्रह होती है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन होते हैं, तो विप्लव कुमार देव जो होते हैं वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है अभी दोस्तों। तो अभी जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वो कौन है, विप्लव कुमार देव। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी। तो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में जो निकली थी वह मिथाइल आइसोसाइनाइड निकली थी। कौन सी गैस निकली थी दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में निकली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। बिहार के गवर्नर पूछ लिए गए थे दोस्तों, तो बिहार के गवर्नर जो अभी है वर्तमान में लालजी टंडन, जो हाल ही में बने हैं दोस्तों, इससे पहले सत्यपाल मलिक। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। जापान का पीएम पूछ लिए गए थे दोस्तों, जापान का जो पीएम है वह शिंजो आबे है। कौन है, शिंजो आबे जापान का पीएम है। सबसे हल्की गैस पूछ लिए गए थे, तो ब्रह्मांड में जो सबसे हल्की गैस होते हैं दोस्तों वह हाइड्रोजन होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होते हैं, और हाइड्रोजन के जो है तीन समस्थानिक होते हैं दोस्तों, वह क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कौन कौन समस्थानिक होते हैं दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल बोलते हैं, D2O जिसका सूत्र होता है दोस्तों। और हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का पहला तत्व है, तो हाइड्रोजन से मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बता दिया दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या आया है और बताता हूँ। तो यहाँ पर पूछे गए हैं कि सबसे हल्की, ये तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम पूछ लिए गए थे। तो क्लोरोफॉर्म के जो रासायनिक नाम होते हैं वह क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है दोस्तों। एप्पल के CEO पूछ लिए गए थे, तो एप्पल के CEO यानी कि CEO से क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में भी आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ALP के एग्जाम में भी CEO से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसीलिए ग्रुप डी के एग्जाम में भी CEO से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एप्पल के CEO जब भी है वर्तमान में वह टीम कुक है। कौन है दोस्तों, टीम कुक एप्पल के CEO है। मान बुकर पुरस्कार 2018 किसको मिला है दोस्तों, ओल्गा टकारोजु को मिला है मान बुकर पुरस्कार 2018। इसकी पुस्तक फ्लाइट क्लेरिया कहाँ की है, तो यह पोलैंड की रहने वाली है दोस्तों। लक्स पूछ लिया, लक्स किसका मात्रक है, लक्स जो है ल्यूमेन का मात्रक है, लक्स ल्यूमेन का मात्रक है दोस्तों। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पूछ लिया गया, तो वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति हो है दोस्तों अभी वर्तमान में वह निकोलस मादुरो है। कौन है, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के वर्तमान में राष्ट्रपति है। नीदरलैंड की राजधानी पूछ लिए गए थे, तो नीदरलैंड की जो राजधानी है दोस्तों वह एम्स्टर्डम है। क्या है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है दोस्तों। चलिए और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 में बेस्ट फिल्म किस में का अवार्ड किसको मिला है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है दोस्तों वह विलेज रॉकस्टार को मिला है। किसको मिला है, विलेज रॉकस्टार को। और इसे मैं एक और क्वेश्चन और बता देता हूँ दोस्तों, कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 65वां नेशनल फिल्म अवार्ड था, और इसका जो अभी अभिनेत्री का अवार्ड मिला है दोस्तों वह श्रीदेवी को अभिनेत्री का अवार्ड मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों, कि निर्वाचन दिवस पूछ लिया था, कि राष्ट्र निर्वाचन दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। उत्तल दर्पण का उपयोग पूछ लिया गया था, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों गाड़ी में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, गाड़ी में इसका प्रयोग करते हैं पीछे के दृश्य को देखने के लिए। ट्रांसफार्मर पूछ लिया गया था, कि ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है। तो ट्रांसफार्मर का वर्क है दोस्तों कि यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर का यही वर्क है दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है दोस्तों। तो यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों, जिसको कि अहमदाबाद को बोलते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। अगर पूछ लेता दोस्तों कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो वह कानपुर हो जाता। क्या होता दोस्तों, कानपुर हो जाता उत्तर भारत का मैनचेस्टर। यहाँ पर पूछे गए हैं सागरमाला प्रोजेक्ट किस पर आधारित है। तो जी दोस्तों, सागरमाला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों यह बंदरगाह पर आधारित है। किस पर आधारित है, बंदरगाह पर आधारित है सागरमाला प्रोजेक्ट।
यहाँ पर पूछे गए हैं हिमायत प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों, तो हिमायत प्रोजेक्ट शुरू किया है दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में हिमायत प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है और यह प्रोजेक्ट जो है युवा के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन जी दोस्तों, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन से भी क्वेश्चन आ गया है कि सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो अभी जो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है दोस्तों वह A1 की श्रेणी में है जोधपुर, जोधपुर सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर पूछे गए हैं कि एक्सवा स्मार्ट सिटी, एक्सवा स्मार्ट सिटी कौन सी सिटी है, तो शिलोंग जो है एक्सवा स्मार्ट सिटी अभी बने हैं दोस्तों, एक्सवा स्मार्ट सिटी में शिलोंग जो है लास्ट एक्सवा स्मार्ट सिटी बने हैं। यहाँ पर पूछ लिए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है दोस्तों। रहने के सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो रहने का जो सबसे अच्छा शहर है दोस्तों वह वियना है। क्या दोस्तों? वियना रहने का सबसे अच्छा शहर है और भारत में जो है पुणे है। तो चलिए अब और क्या पूछे गए हैं मैं बता देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर अब मैथ और रीजनिंग का सेक्शन से मैं बता देता हूँ मैथ और रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैथ और रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों कि x प्लस 1/x = 2, तो फाइंड x टू द पावर 117 प्लस 1/x = 117। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए दोस्तों कि x बार 1 पुट करके देख लीजिए, अगर आप x बार 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाता है, तो यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर भी x का मान 1 रख देना और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ इसका आंसर भी क्या होगा 2 ही होगा। तो कभी भी अगर इधर 2 रहे दोस्तों और इधर 1 रखने x का मान 1 पुट करने से 2 आ रहा है, तो इसका जो फाइंड जो करने देगा वह हमेशा 2 ही होगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि 38, 36 और 148 का एलसीएम, तो यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, एलसीएम से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको तो आप लोग बना ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर पूछे गए कि 3a = 5b = 2c, तो फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ पर पूछ लिया कि 3a = 5b = 2c, तो फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यह एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी यहाँ पर लिख लेना है, और जब ए का रेशियो निकालिएगा तो ए को छोड़ देना है और इसका 5 से और इसका 2 से गुना कर देना है, तो 5 गुना यहाँ पर 10 हो जाएगा दोस्तों। अब बी का रेशियो लेना है, बी वाला छोड़ देना है और इसका 3 और इसका 2 से गुना कर देना है, तो 3 × 2 यहाँ पर यानी कि 6 हो गया दोस्तों। अब सी के टाइम में लिखना है, सी को छोड़ देना है और 3 और 5 को गुना कर देना है, तो 3 और 5 को जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया 15, तो 10 = 6 = 15 ए रेशियो बी रेशियो सी का आंसर आया दोस्तों। चलिए अब और मैथ और रीजनिंग से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों देख लेता हूँ। तो यहाँ पर पूछ लिए गए हैं दोस्तों कि x का 80% 20 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का 80% 20 है तो x का क्या मान होगा दोस्तों। इसको तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं सकते हैं दोस्तों तो मैं बता देता हूँ, x का 20/100 = 20 करना है दोस्तों, तो वहाँ पर हो जाएगा 2000/ यहाँ पर 80 हो जाएगा, 8 8 कट जाएगा दोस्तों, और फिर वहाँ पर 0 0 कट जाएगा और 8 से फिर कट जाएगा, जो आंसर आएगा वही होगा दोस्तों। टेन थीटा बराबर दिया है यहाँ पर, 4/5, तो sec थीटा का मान निकालने बोला है, तो टेन थीटा बराबर 4/5, तो sec थीटा का मान, तो आप तो एक चीज जानते हो, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब हो गया यहाँ पर 4 और कर्ण हो गया यहाँ पर 5 दोस्तों। तो आधार आप लोग इससे आसानी से निकाल सकते हैं, 25/4 = 16 - 4 = 16, अंदर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 9, और 9 का जो होगा 3 हो जाएगा रूट, 9 का रूट 3 हो जाएगा दोस्तों, तो आधार भी निकल गया 3, तो हम लोग cos थीटा बराबर क्या जाते हैं दोस्तों, cos थीटा बराबर जाते हैं हम लोग कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार होता है, तो उससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसका आंसर। चलिए यहाँ पर दिया है दोस्तों कि 2145 और x यहाँ पर दिया हुआ है, को 9 से डिवाइड करने के लिए x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर x के जगह पर हम क्या रखेंगे दोस्तों कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह आसान क्वेश्चन है दोस्तों एकदम, देख लेना है इसको जोड़ के कि यार जोड़ के देखना है कि कितना रखेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगर जोड़ के देखेंगे और 9 से डिवाइड हो जाता है तो उसको डिवाइड होने के लिए कितना अंक चाहिए, देखिए बता देता हूँ, 2 + 1 + 4 + 5 + 5, यहाँ पर 4 होगा दोस्तों, तो 5 × 4 = 9, 1 = 10 + 2 = 12, 12 हो रहा है दोस्तों, तो 9 से नहीं कटेगा, इसमें 12 के स्थान पर और हम 6 अगर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 9 से 9 × 2 = 18 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा x के स्थान पर दोस्तों, x बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 6 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ दोस्तों कि मिरर इमेज से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर जी दोस्तों, मिरर इमेज से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पर पूछे गए थे कि 17 अक्टूबर 1983 को कौन सा दिन था, तो 17 अक्टूबर 1983 का यानी कि कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, 17 अक्टूबर 1983 का कौन सा दिन था मैं बता देता हूँ, 1900 का कॉर्ड लिखना है 1 दोस्तों, क्या लिखना है 1, और यहाँ पर कितना बच गया 83 साल, अब यानी कि 83 वर्ष बच गया, तो 83 वर्ष नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 17 अक्टूबर तक ही है, पूरा 83 वर्ष का नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर 82 लेना है, 82 वर्ष लेना है, और 82 वर्ष में कितने होता है लीप वर्ष, तो 4 से डिवाइड करके देख लेना है, 20 लीप वर्ष होगा और 62 जो होगा
ओड वर्ष होगा। तो 20 को हम दो से, लीप वर्ष में 2 दिन ज़्यादा होता है और ओड वर्ष में 1 दिन, तो 20 दुना 2 से इसको गुना करेंगे 40 हो जाएगा दोस्तों, और इसको 1 से गुना करेंगे तो 62 हो जाएगा, तो टोटल हो गया 102, और डिवाइड करके देख लेंगे 7 से, तो इसका कॉर्ड कितना आ रहा है 4, यहाँ पर 4 बज गया, और यहाँ पर देखिए 4 बज गया। अब जनवरी का होता है 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, फिर अप्रैल का 2, इस तरह करके यहाँ पर 17, और लास्ट में 17 अक्टूबर है तो 17 लिख देना है, टोटल आता है 38 दोस्तों, 38 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो टोटल कॉर्ड कितना हो गया दोस्तों 1, 4 और 3, यानी कि 1 + 4 + 3 8 बाय 7 करके देख लेंगे तो 1 बचेगा, और 1 किसका कॉर्ड होता है दोस्तों सोमवार का, यानी कि तो यह दिन कौन सा होगा सोमवार होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर पूछ लिया गया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 4 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से पूछे गए हैं। आयु संबंधी भी एक प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, आयु संबंधी भी एक प्रश्न पूछे गए हैं। फिगर काउंटिंग से पूछा गया है प्रश्न दोस्तों, फिगर काउंटिंग से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। कॉडिंग रिकॉर्डिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कॉडिंग रिकॉर्डिंग भी आप लोग अच्छे से करके जाइएगा जब गुरुडी का एग्जाम देने जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर पूछे गए हैं कि एक सप्ताह में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण बनाती है, तो एक सप्ताह यानी कि 7 दिन में कितनी बार समकोण बनाती है दोस्तों, 154 बार जो है 7 दिन में समकोण बनाती है दोस्तों। यहाँ पर DI से क्वेश्चन पूछ लिए गए दोस्तों, 3 क्वेश्चन DI से पूछे गए थे दोस्तों, DI से टोटल 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए दोस्तों। तो ये था आज का सभी प्रश्न दोस्तों जो मैं आज बता दिया हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर वीडियो देखने के बाद अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सबको भी सबके पास पहुँच सके दोस्तों। और मैं डेली का अभी जो अपलोड करूंगा दोस्तों, डेली जो अभी होगा एग्जाम उसका पर शिफ्ट का मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग तक तुरंत पहुंच सके दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।